नमस्ते आदाब बंदे मातरम दोस्तों, मैं जहाजुल दीवान आपके सामने यूजीसी नेट के हिंदी पेपर के क्वेश्चन कुछ क्वेश्चंस के आंसर आपके सामने लेकर आया हूँ। और इस जो बातचीत है इसको हम दो वीडियो में पूरा करेंगे, क्योंकि नहीं तो बातचीत लंबी हो जाती है तो वीडियो लंबा हो जाता है और थोड़ी सी मुश्किल होता है देखने में, तो इसलिए इसको हम दो हिस्से या तीन हिस्से में बांट कर देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पेपर पर भी हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं जो जिसका आंसर हमारे पास आ चुका है हिंदी जो जिसका कोड नंबर सब्जेक्ट कोड नंबर 20 है उसके ऊपर हम बात करेंगे और इसके जो आंसर से उस पर हम थोड़ा नज़र डालेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है, नारी का आकर्षण पुरुषों को पुरुष बनाता है तो उसका आकर्षण उसे गौतम बुद्ध बना देता है, ये संवाद किस नाटक का है? और इसमें बिल्कुल सही आंसर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 1 लहरों का राजहंस, जो कि मोहन राकेश का नाटक है। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है कि प्रेम शतक के रचनाकार कौन है? दुलारीलाल भार्गव, जगन्नाथ दास रत्नाकर, बी ए गिहोरी, अंबिका दत्त व्यास। और ये ऑप्शन में 3 चुना गया है, बी ए गिहोरी जो कि एकदम राइट आंसर है। इसमें फिर हम देखेंगे कुछ क्वेश्चन हम यहाँ पे छोड़ रहे हैं जिसका आंसर हमारे पास नहीं आया है। राइट आंसर जिस क्वेश्चन का हमारे पास आ चुका है हम उस पर बात करेंगे आपसे, और बाकी क्वेश्चन का आंसर आप भी अगर आपके पास जो राइट आंसर है अगर आ चुका है तो आप भी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हमारे सामने आया है और इसका है, वट वृक्ष की छाया में किस लेखक की स्मृति को सुरक्षित कर रखने के लिए लिखी गई है? अमृतलाल नागर, अमृत राय, हजरत प्रसाद द्विवेदी, कमलेश्वर। और इसमें इसका राइट आंसर है चोजन ऑप्शन 1, अमृतलाल नागर पर ये लिखी गई है। अब हम जाएंगे जिसका राइट आंसर हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर है, राहिम असम राजा के द्वारा रचित उपन्यास नहीं है, समर शेष, कटरा भी अर्जुन, टोपी शुक्ला, दिल एक सादा कागज़। तो इसका राइट आंसर है समर शेष है, ये स्वदेश शुक्ल का स्वदेश दीपक की रचना है शायद, मैं आई एम नॉट दैट श्योर, आप एक बार चेक कर लीजिए। 12 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर 1 नंबर है। और उसके बाद 13 नंबर हमारे पास 13 नंबर का राइट आंसर है, इसमें से कौन सी बोली बिहारी हिंदी वर्ग में नहीं आती? भोजपुरी, मैथिली, छत्तीसगढ़ी, मगही। तो इसका राइट आंसर 3 है, मगही, छत्तीसगढ़ी बिहारी बोली में नहीं आती। 14 नंबर का राइट आंसर हमारे पास आ चुका है, हिंदी में ऋतु संहार के रचयिता हैं श्रीधर पाठक, भारतेंदु हरिश्चंद्र, गुरुभक्त सिंह, ठाकुर जगमोहन सिंह। और इसका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 1, श्रीधर पाठक, ऑप्शन नंबर 1 श्रीधर पाठक इसका राइट आंसर है। 15 नंबर क्वेश्चन के राइट आंसर हमारे पास आ चुका है, सिद्धों और योगियों की रचनाओं का जीवन की स्वाभाविक अनुभूतियों और दशाओं से कोई संबंध नहीं है, अतः वे शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आती, ये विचार किसका है? और ये 15 नंबर का आंसर है, हजर प्रसाद द्विवेदी, धीरेन्द्र वर्मा, मुनि जनविजय, रामचंद्र शुक्ल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, रामचंद्र शुक्ल। 17 नंबर का राइट आंसर हमारे पास आ चुका है, 17 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर है, मुरारी और नरगिस के प्रेम पर आधारित उपन्यास है, पाप और पुण्य, सत्याग्रह, आदर्श दंपति, चंद हसीनों की खतूत। और इसका राइट आंसर है आदर्श दंपति।
फिर 32 नंबर क्वेश्चन के राइट आंसर हमारे पास आ चुके हैं, 32 नंबर। और जो बीच में जिन क्वेश्चनों को मैं छोड़ रहा हूँ, अधिकतर कहीं ना कहीं सारे कथन कारक पर आधारित है, जो कि सटीक उत्तर सिर्फ यूजीसी ही दे सकती है, इसलिए मैं इसको छोड़ रहा हूँ। इसके आंसर जानते हुए भी मैं आपको वो आंसर नहीं बता रहा हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ आपको जो फैक्चुअल क्वेश्चन है उसका आंसर मैं आपको बता रहा हूँ, जिसमें गलती की कोई भी गुंजाइश नहीं है। ये देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 32 है, हमारे सामने आ चुका है। और निम्नलिखित विकल्पों में से किसका किन का संबंध माखनलाल चतुर्वेदी से है? सिपाही आरदा, और उसके बाद दैनिकी पुष्प की अभिलाषा, और इसके जो आंसर है राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4, और ऑप्शन नंबर 4 में 1 और 4 सही है, 1 और 4 सही है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर आपको मिल चुका है। अब हम जाएंगे 40 नंबर क्वेश्चन की ओर। ये सारे के अधिकतर अधिक मतलब जिसमें डाउटफुल है, और इसमें 40 नंबर क्वेश्चन का आंसर है आपका, 40 नंबर क्वेश्चन का आंसर हमारे सामने ये आया है। उनतालीस चालीस निम्नलिखित में आत्मकथाएं कौन कौन सी है? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 अपनी धरती अपने लोग। ऑप्शन नंबर 2 में 1, 3 और 4 नंबर ऑप्शन है, तो तिरस्कृत, उसके बाद तिरस्कृत, उसके बाद अपनी धरती अपने लोक, और उसके बाद 4 नंबर है सहचर और समय। ये ऑप्शन आपके सही है। उसके बाद ऑप्शन नंबर 42 हमारे सामने है, 42 हम देखेंगे। 42 में प्रकाशन वर्ष अनुसार निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम है, और आंसर नंबर 42 ऑप्शन नंबर 1 है राइट आंसर। मधुशाला, एकांत संगीत, सतरंगिनी, मिलानी यामिनी, ये सारे राइट आंसर है। और आपको मैं अभी ले जाऊंगा क्वेश्चन नंबर 45 की ओर। 45 नंबर प्रकाशन वर्ष के अनुसार अनुसार विद्यानिवास मिश्र के निबंध संग्रह का सही अनुक्रम है। इसका राइट आंसर 3 नंबर है, तमाल के झरोखे से शेफाली झर रही है, शिरीष की याद आई, रथ यात्रा, ये ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। और फिर हम आपको ले चलेंगे क्वेश्चन नंबर 48 की ओर। और इसका देखिए, कालक्रम की दृष्टि से साहित्य सिद्धांतों का सही अनुक्रम है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, रस अलंकार रीति ध्वनि ध्वनि। और क्वेश्चन नंबर 49 का जो आंसर है, अंधायुग नाटक के अंग शीर्षकों का सही अनुक्रम है, कौरव नगरी जो ऑप्शन दिया हुआ है, और 1 नंबर ऑप्शन इसके राइट है, कौरव नगरी, पशु का उदय, अश्वत्थामा का अर्धसत्य, गांधारी का श्राप। ये हमारे और कुछ क्वेश्चंस जो है मैं आपको फिर थोड़ा बैक ले जाना चाहूँगा, जो अभी अभी हमारे पास जिसका ऑप्शन आंसर आया हुआ है, इसका मैं सटीक उत्तर आपको एक बार दे देता हूँ। फिर दूसरे पार्ट में हम दूसरे वीडियो की दूसरी बात करेंगे। दोस्तों, ये वीडियो आप ज़रूर शेयर करिएगा अपने दोस्तों के बीच, और
लोगों को सब्सक्राइब करने के लिए बोलिएगा, आप खुद भी सब्सक्राइब करिएगा और हम लोग लगातार इन वीडियो के माध्यम से हम जुड़े रहेंगे और एकेडमिक जगत में अपना योगदान देते रहेंगे। आप ये देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर जो 16 है उसका एक नंबर ऑप्शन जो है वो राइट आंसर है, लेकिन यहाँ पे 3 नंबर दिया गया है तो ये रॉन्ग है, आंसर कैंडिडेट ने यहाँ पे रॉन्ग दिया है। तो मैं आपको यहाँ पे ये दिखाना चाहता हूँ, जैसे यहाँ पे चूजन ऑप्शन 3 दिया गया है लेकिन 3 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे राइट नहीं है। एक क्वेश्चन नंबर निम्नलिखित में से कौन सी रचना गया प्रसाद शुक्ल से नहीं कि नहीं है, स्वप्न ये नहीं है। फिर क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर मैं आपको बताना चाहता हूँ, निम्नलिखित में से किस कवि ने सत्सय की रचना नहीं की। तो इसमें 18 का ऑप्शन है 3, लेकिन यहाँ पे जो कैंडिडेट है उन्होंने एक चॉइस किया है, एक चॉइस करने के कारण इनका जो है ये आंसर गलत हो गया। फिर क्वेश्चन नंबर 23 की और मैं आपको ले जाना चाहता हूँ, देखिए क्वेश्चन नंबर जो 23 है इसका जो राइट आंसर है, क्वेश्चन नंबर 23 का जो है राइट आंसर 2 है, क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 2 है राइट आंसर। हरिशंकर परसाई के निबंध संग्रह है, इसमें ऑप्शन नंबर दिया गया है 2, तो 2 के हिसाब से ये है, पहले 2 नंबर सदाचार का ताबीज, फिर 3 नंबर तुलसीदास चंदन घिसे और 4 नंबर सही आंसर आवारा भीड़ के खतरे। ये है, ये थे हमारे ऑप्शन और इसमें जो कैंडिडेट है ये इसमें ऑप्शन नंबर 1 चूज़ किया है, इसलिए इनका भी ये गलत हो गया। तो ये था हमारा एक छोटा सा प्रयास और अगले पार्ट में हम दूसरे जो क्वेश्चन है उसका एक और पार्ट पे हम बात करने की कोशिश करेंगे। और इस वीडियो को आप शेयर करिए और जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पे दिया गया है, जितना भी आंसर दिया गया, बाकी जो आंसर छूट गया है अगर आपके पास उसका राइट आंसर है तो आप कमेंट्स में वो हमें बता सकते हैं और मुझे पर्सनली व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9660692977 9660692977 9660692977। ये जो नंबर है इस नंबर पे व्हाट्सएप करके भी आप मुझे बता सकते हैं, कमेंट करिए, शेयर करिए, लाइक करिए और इस एकेडमिक पॉपुलर एकेडमिक चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूले। और अगले वीडियो के साथ मैं अभी एक दूसरा वीडियो आपके लिए प्रस्तुत कर रहा हूँ।